लोग आपके चेहरे को देखकर आपकी एनर्जी का पता लगा लेते हैं। आपका फेस और आपके बाल आपकी फ्रेशनेस के बारे में काफी कुछ कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रेश रहने के 3 सिंपल टिप्स बताता हूँ। टिप नंबर 1, रात को सोते टाइम कभी भी मुंह के बल नहीं सोना चाहिए। जो लोग मुंह के बल सोते हैं उनके चेहरे पर रिंकल पड़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए अपने पीठ के बल सोएं। नंबर 2, अपने चेहरे को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। गर्म पानी से जो लोग अपने चेहरे को धोते हैं उनको इरिटेशन और ड्राइनेस ज्यादा फील होती है, इसीलिए ठंडे पानी से धोएं। एंड नंबर 3, अपने बालों को डेली नहीं साफ करना चाहिए या फिर डेली नहीं धोना चाहिए। अगर कोई अपने बालों को डेली साफ करता है या धोता है तो उनके स्कैल्प से नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिससे इन फ्यूचर आपको बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। गाइस, आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। घर में अच्छा बाप बनना या ऑफिस में अच्छा टीम लीडर बनना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि घर में बाप को बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है और उनका विश्वास जीतना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही टीम लीडर को भी करना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छा बाप बनने का या फिर अच्छा टीम लीडर बनने का एक टिप देता हूं। अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा या फिर आपके ऑफिस में आपका कोई टीम मेंबर आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करे या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करे जो कि आपको पहले से पता है, तो आपको उसे ये नहीं कहना कि आई नो दैट या फिर मुझे पहले से ही पता है। आपको उसे ये कहना है दैट यू आर राइट, तुम सही हो। ऐसा करने से उसका मोराल बूस्ट होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका आप में विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। गाइस, ये इंटरेस्टिंग टिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। कभी कभार किस्मत इंसान के साथ कुछ ऐसी चोट कर जाती है कि इंसान ये सोचने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, लोग तो और भी थे। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मुराद नगर में, जहां पर बिजली चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। तो विभाग के लोग जांच करने के लिए पहुंचे, और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया वहां से कोई बाहर ही निकल के नहीं आया। उसके बाद एक लाइन मैन उस घर के पड़ोस की छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद जो भी हुआ वो वायरल हो गया। उस घर की छत से एक आदमी रेंगता हुआ निकल कर आया और बिजली की कुंडी को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी टाइम लाइन मैन ने कहा धप्पा, बेचारा पकड़ा गया। खैर, जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। गाइस, आपको ये इंसिडेंट देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।